Pelagic fish means small sized fish. Small sized fish. Fish is generally used to survive, and the, in the dark we have the big sized fish. So small sized fish live in always in a big shoal. Group mein rehti hai. You know, hundreds, thousands, lakhs, millions. Billions of fish generally found in one shoal. One shoal may be 10 km long, 10 km tak machliyon ka ek choti choti 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch, 6 inch lambi tak machliyon. So they found in a group, because only group in a group they can survive, otherwise in isolation they cannot. So this is what the big fish prey on the small fish. To raat ko generally big fish upar aa jate hain, and the big fish ये इन्हीं पे जिंदा रहती है, तो ये रात को ऊपर आती है, बिकॉज दे आर द डार्क लविंग फिश. सो बिग फिश लाइक ट्यूना, लाइक कॉड, दीज आर बेसिकली नॉन पेरिशेबल. ये छोटे साइज की मछली जनरली 10 से 15 दिन में ये पेरिश कर जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन इनको स्टोर किया जा सकता है सालों साल तक, 6 महीने तक इनको फ्रोजन टेम्परेचर में रख के, -3 डिग्री पे रख के, इसमें सॉल्ट लगा के, इसको काट के, इसके अंदर सॉल्ट डाल के इनको एक साल तक रख. सो मोस्टली जो ट्रेड होता है वो कॉड फिश का होता है या ट्यूना फिश का होता है. जो छोटे साइज की फिश होती है जैसे लाइक हेरिंग, सार्डाइन, एंकोवी, हेलीबट, ये जो छोटी साइज की मछली होती हैं बेसिकली ये थोड़े टाइम के लिए होती है, साथ के साथ कंज्यूम करनी होती है, इनके पेरिशेबल. तो बेसिकली सनलाइट कहाँ तक, 200 मीटर तक जाती है, बट ऑन द सरफेस सनलाइट इज नॉट रीचिंग अप टू 200 मीटर. अगर अर्थ पे लाइट पड़ेगी तो दिस लाइट विल नॉट रीच अपर अप टू 5 इंच 6 इंच इट विल बी देयर. सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सी पे जो लाइट पड़ेगी वो नीचे तक चली जाएगी. Heat will be distributed in larger area, larger mass of the water. Here heat will not be distributed, it will be stored in just upper 2 inch 3 inch layer of the crust. So that's why jahan land jyada hai we will be having more heat, and jahan water jyada hai we will be having lesser heat, because heat will be distributed. So this is one of the factor of एनर्जी बजट रीजनल वेरिएशन. जहाँ पानी ज़्यादा होगा, वाटर सी ज़्यादा होंगे भी है, आइसोलाइज टेम्परेचर विल बी मोर इक्विटेबल, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर्ड इक्वली. विंटर में, समर में नियर द सी कंडीशंस आर मोर सुटेबल देन द कॉन्टिनेंट. सेम इज इन द विंटर, सी रिमेन, वाटर रिमेन इक्विटेबल टेम्परेचर, while earth have more fluctuation in temperature, so more reflectance and more absorption of temperature. Earth have lesser reflectance, earth have more reflectance and more absorption, it is having almost nil reflectance, more absorption, absorb ज़्यादा करती है ये, ये रिफ्लेक्ट करती है, ये हीट विल बी स्टोर्ड हियर. तो वाटर पे हीट ज़्यादा नहीं दिखाई देती, इसलिए देयर इज द रीजनल वेरिएशन. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर के हीट बजट में पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह, बिकॉज इन सदर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी हैव वाटर ओनली 20%, 80% लैंड वी हैव. सो इट इज लाइक इन दिस साइड वी कैन हैव 100% दिस, और दिस इज 100%. वी कैन कैलकुलेट in this order also, we can calculate. Apart from that, inclination of sun rays, this is number 2, inclination of sun rays. Sun rays, which is the source of energy, it is not coming straight on the earth surface. Because of the spherical shape of the earth, it is inclined, sometimes heat is coming. Sometimes suppose this is the equator, this is 0 degree, so sometimes heat is coming to the northern hemisphere, sometimes it is coming here, the same light is spread here,
यहाँ से यहाँ तक अप टू दिस साइड ऑफ द पोल, अदर साइड ऑफ द पोल हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, हियर हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इन सदर्न हेमिस्फीयर सनलाइट इज रीचिंग ओनली अप टू दिस एरिया, दिस एरिया इज नॉट रिसीविंग द लाइट हियर फॉर लॉन्गर पीरियड इन अ ईयर। आधे साल तक सनलाइट यहाँ तक रहती है, आधे यहाँ नहीं मिलेगी, सो सनलाइट इज नॉट रीचिंग ओवर हियर, सो दिस एरिया रिमेन फ्री फ्रॉम सनलाइट। सो वी हैव वेरी अनइक्वल नियर द इन द ट्रॉपिक जोन और इन द टॉरिड जोन, बेसिकली देयर आर द थ्री जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द हीट हैज़र्ड, वी डिवाइडेड द अर्थ इनटू थ्री डिफरेंट जोन्स, नियर द इक्वेटर इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन and we have the temperate zone and we have the frigid zone. So we have the temperate zone, this is the temperate and this polar is the frigid zone. So this is all because of the inclination of sun rays. Sun rays always find vertical position over here, it inclined and it hardly reach half of the ear, it received the sun rays and that is of lesser intensity. This is closer to sun, this is far off from the sun, it is getting vertical light, it is getting inclined light in an oblique position. So that's why there are the regional variations. Apart from that, the length of the day is also influencing the third factor, length of the day. Length of the day. When sun is in this position, sun is striking on the tropic of Cancer, so sun is basically inclined over here. In this position, length of the day is more in northern hemisphere. उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई लगभग 13 घंटे 8 मिनट 10 मिनट तक हो जाती है, तो दक्षिण गोलार्ध में उस टाइम दिन की लंबाई इतनी कम होगी। देखते हैं ना, गर्मियों में दिन की लंबाई 13 घंटे और रात की लंबाई 11 घंटे, और जब ये अर्थ सन यहाँ आ जाए तो अर्थ सन की इधर पहुँच जाए, तो सन अगर यहाँ है और अर्थ पहुँच के सन की ये पोजिशन आए तो दिस पोर्शन विल बी स्ट्रेट इन द सन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी, विंटर में दिन की लंबाई, सर्दियों में दिन की लंबाई लगभग 11 घंटे और रात की लंबाई 13 घंटे। सो इट इन्फ्लुएंस द हीट बजट इन द ग्लोबल परस्पेक्टिव। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा होगी। समटाइम्स देर आर द पोजिशन, लाइक पोजिशन ऑफ द सन, सपोज दिस इज द सन in the center and the position of the earth is like this, it is earth is revolving around the sun in elliptical order, not in circular order. ye ande ki aakriti mein earth sun ke charon taraf chalti hai is route se, in the route, sometimes it's very close to earth, the sun ke bahut nazdeek aa jati hai and this is known as the perihelion. It is approximately 49 million kilometers. It is 149 million kilometers. And there is another position. Earth is farthest to the sun. This is perihelion, aphelion. This position is. This is 151 million kilometers. This is basically the in this position. तो यहाँ जब sun earth के ज़्यादा नज़दीक होगा तो insolation would be more intense और यहाँ insolation would be lesser intense. So these are the few factors which are influencing the heat budget of the earth. So basically I gave you four basic parameters. How the distribution of land and water, inclination of sun, length of the day and the position of the sun, perihelion and the aphelion. Here the in the water
the circulation of water in the ocean in the form of oceanic currents, oceanic streams and oceanic drifts, वो भी ग्लोबल हीट बजट को इन्फ्लुएंस करती है, बट दे ट्राई टू मेक द इक्विलिब्रियम इन टेम्परेचर, बट दीज आर द फोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच आर क्रिएटिंग हीट बजट डिफरेंस इन द हीट बजट रीजनल वेरिएशंस इन द हीट बजट इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल परस्पेक्टिव. नाउ आफ्टर दिस हीट बजट आई होप द टेबल इज क्लियर टू यू हाउ द 100 यूनिट कम्स. How many units are reflected back? कितना अर्थ पे सोलर से 100 यूनिट आए तो अर्थ पे कितनी यूनिट? 45. तो 55 वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में से ही वापस चली जाती है. उस 45 में से एक विंडो होती है कंडेंसेशन विंडो एटमॉस्फेरिक विंडो जहाँ से लॉन्ग वेव सीधी एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर जाती है वो कितना होता है 8%. गुड इसका मतलब यू हैव स्टडीड इट. गुड नाउ कम ओवर टू द अनदर टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक द प्रेशर बेल्ट्स. प्रेशर बेल्ट्स ग्लोबल प्रेशर बैरोमेट्रिक प्रेशर बेल्ट्स इन द वर्ल्ड